पूरा खानदान बातें कर रहा है, हर एक की जुबान में सिर्फ यही किस्सा है। बजाय के इस परेशानी में हमारा साथ देने के, वो लोग तो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। बातें यूं ही नहीं बन जाती आलिया, अब इतना जो कुछ निकल के सामने आ रहा है तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। मम्मी ये सब ना फुप्पो की छूट का नतीजा है, मैं आपको बता रही हूँ। मजाल है जो सदीजे के साथ कभी भी किसी किस्म की कोई रोक टोक की हो। शहरीना तुम तो बस करो, तुम्हें तो मौका चाहिए लीजे के बारे में कुछ भी कहने। अच्छा शहरीना को तो तुम चुप करवा लोगी, लेकिन और किस किस के मुंह बंद करवाओगी? पूरी बरादरी में बात हो रही है, अगर तुमने बेटी पे अपने कंट्रोल रखा होता ना तो आज ये दिन देखने को आ रहा होता। मुझे तो अब अपनी शहरीना की फिक्र खाई जा रही है, और जिस तरह राहील की छूटने की दिन ब दिन उम्मीद खत्म होती जा रही है, पता नहीं मेरी बेटी के मुकद्दर में क्या लिखा है। नहीं बेटा, जज साहब, शामिर एक पैसे वाले बाप का बेटा था, अलीजे के अलावा बहुत सी लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, तो फिर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? शामिर के सेल फोन से इसके नंबर पर अनगिनत कॉल्स की गई जज साहब, यहां तक के शामिर के फोन पर आखिरी कॉल भी तुम्हारी है। इसके दोस्त के मुताबिक वो अलीजे के बुलाने पर मॉल गया था और वहां अलीजे का भाई पहुंच गया और अपनी बदकिरदार बहन को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में शामिर की गन छीन कर अलीजे की जगह शामिर को गोली मार दी। अलीजे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम आज छोड़ गई थी ना, क्या हुआ वहां बताओ। हाइल भाई मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़े थे, उनसे एक दफा भी नजर नहीं मिला सकी, और अबू बस सर झुकाए बैठे हुए थे वहां, उन्होंने एक दफा भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा, उनके अंदर हौसला ही नहीं था। वकील झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, उस पर इतने इल्जाम लगे और मेरा सच किसी को सुनाई नहीं दिया। सच इतना कमजोर कैसे हो सकता है अहमद, उसकी गूंज झूठ की तरह तेज क्यों नहीं होती? अलीजे झूठ झूठ होता है, चाहे पूरी दुनिया घुमाए, लेकिन एक ना एक दिन उसकी हकीकत सामने आ ही जाती है। और रही बात सच की, उसको साबित करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन साबित हो ही जाता है। अहमद मैं सबको यकीन कैसे दिलाऊंगी कि मैं बेकसूर हूं, कैसे? तुम पे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।